अब ये रेडी, एक मिनट रोल उधर। सर 20 साल के बाद स्कूलों की ड्रेस का परिवर्तन, समय समय पर बालकों के गणवेश में परिवर्तन आता रहा है। एक समिति का गठन किया और समिति ने जो तय किया उसी के अनुरूप गणवेश तय हुआ है, निर्धारित हुआ है। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए गणवेश मुक्त रहेंगे और उसके बाद कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यह गणवेश निर्धारित है। 1 से 5 तक के क्या पहन के नहीं आएंगे या क्या जाओगे? गणवेश का अर्थ होता है एक निर्धारित वेश। वेश तो उनका रहेगा ही, जो भी उनके पास आसानी से सुलभ है उस वेश का उपयोग कर सकेंगे। गणवेश को लिए क्या एक दो बच्चे अगर अपने मर्जी से पहन कर आना चाहे तो? मर्जी से पहन कर आएगा, कोई विरोध नहीं है, बाध्यता नहीं है। सर ये क्या फ्री उपलब्ध कराई जाएगी बच्चों को? कक्षा 6 से 12 तक की ऐसी कोई योजना अभी तक सरकार के पास नहीं है। तो क्या बच्चों को खुद बाजार से खरीद के? हाँ, अभी तक भी बालक अपने स्तर पर ही गणवेश का क्रय करते रहे हैं, तैयार करवाते रहे हैं और अब की बार भी यही रहेगा। कलर वगैरह कहाँ से आप बता रहे हैं बच्चों को, कहाँ से खरीद करें, कहाँ से खरीदें? बाजार में उपलब्ध है। उमरावलाल वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जयपुर द्वितीय, जयपुर।